नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का आपको पालन करना है और ग्रहण काल में क्या करना आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही जानेंगे अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। अर्पिता, सूर्य ग्रहण के साथ जो सबसे अहम बात है कि वो दिखाई दे या दिखाई ना दे, अगर दुनिया में कहीं भी सूर्य प्रभावित होगा तो हम सबका सूर्य एक ही है, इसलिए हम सब भी प्रभावित होंगे। और जैसे कि इस बार के सूर्य ग्रहण के बारे में अर्पिता ने पूछा, तो इस बार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। इसका आरंभ होगा भारतीय समय से 14 अक्टूबर को रात में 8:33 पर। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा रात में 11:29 पर और इस ग्रहण का समापन होगा 12 बजे के बाद, जब 15 तारीख शुरू हो जाएगी तो 15 तारीख को रात में 2:25 पर। यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ये 14 और 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगेगा, लगभग 8:30 के आसपास शुरू होगा और मध्य रात्रि में ही 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। अब ये ग्रहण अगर हम देखें तो कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि जब भारत में ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। हमारे अपनी पृथ्वी के लिए सूर्य एक ही है, पूरी पृथ्वी का जीवन एक ही सूर्य से चलता है, इसीलिए अगर कहीं पर भी सूर्य प्रभावित होता है तो हम सबका जीवन प्रभावित होगा। वैसे ये ग्रहण ज्यादातर अफ्रीका के इलाके में दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए भारत में बहुत सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रभाव इसका पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर भी इस ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण जो है वो विशेष क्यों है। अर्पिता, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें कौन से ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस राशि में लग रहा है, उसको देखकर हम ये समझते हैं कि उस ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा या वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बार के सूर्य ग्रहण की बात करें कि ये विशेष क्यों है, इस ग्रहण में सूर्य का चंद्रमा और बुध के साथ संयोग बनेगा। सूर्य चंद्रमा और बुध का संयोग होगा, राहु और केतु का अक्ष मेष और तुला राशि में प्रभावशाली हो जाएगा। मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु, ये प्रभावशाली स्थिति बनेगी। मेष और तुला राशि में मंगल, केतु और शनि का प्रभाव बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तीन राशियां इन्वॉल्व हो गई ग्रहण में, मेष राशि, तुला राशि और कन्या राशि। मेष राशि अग्नि की राशि है
उस पर शनि का प्रभाव, वहां पर राहु बैठा हुआ है और मंगल और केतु का संबंध। मंगल और केतु विस्फोटक ग्रह माने जाते हैं और उसमें शनि का प्रभाव पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा। ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की जो आर्थिक स्थिति है, दुनिया भर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो हिल सकती है। मेष और तुला राशि इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कन्या राशि इन्वॉल्व हो रही है, मंगल केतु शनि इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका प्रभाव विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। यानी ये ग्रहण बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। पूरी दुनिया भर में अशांति की स्थिति, युद्ध की स्थिति, विस्फोट की स्थिति, बेवजह की राजनैतिक समस्याएं इस समय लोगों को परेशान करेंगी और मोटे तौर पे जो ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग अगले 3 महीने तक पूरी दुनिया के लिए पड़ेगा और ज्यादातर जो इसका प्रभाव है वो निगेटिव नकारात्मक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, चलिए अब जरा समझते हैं कि किन किन तरीके की सावधानियों का इस ग्रहण में हमें पालन करना चाहिए। पंडित जी, अर्पिता, सामान्यता क्या होता है कि जब ग्रहण शुरू होता है तो उसके पहले सूतक लग जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा उपासना बंद हो जाती है, लोग अपनी तरह से घर में पूजा करते हैं लेकिन मंदिरों वगैरह की पूजा वगैरह बंद हो जाती है, ना खाइए ना पीजिए, इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं जो सामान्य ग्रहण के समय अप्लीकेबल होती हैं। अब अगर हम इस ग्रहण की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले। ग्रहण काल में सूतक लगना स्वाभाविक होता है और सूतक काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है, लेकिन ग्रहण के नियमों के बारे में ये समझिए कि ग्रहण जहां दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सूतक के नियम जो होते हैं कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, आपको ग्रहण काल में सोना नहीं है, खाना नहीं है, भोजन में तुलसी के पत्ते डालने हैं, कैंची नहीं चलानी है, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, लेकिन ये नियम तभी लागू होते हैं जिस जगह पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो। चूंकि भारत में ये ग्रहण विजिबल नहीं है, भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसके आधार पर किसी तरह के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे और किसी तरह के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार गर्भवती महिला को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूतक के नियम ही लागू नहीं होंगे तो गर्भवती महिला को भी किसी तरह के सावधानी की या किसी तरह के नियम के पालन की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, तो ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा ये समझते हैं। अर्पिता, सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि ग्रहण एक बहुत बुरी घटना है, ग्रहण के समय में एकदम शांत हो जाओ, ग्रहण काल बहुत बुरा समय है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का समय बड़ा मूल्यवान होता है, बड़ा कीमती होता है। और ग्रहण काल में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लंबे समय तक आगे फायदा हो सके। जैसे
ग्रहण काल में अगर आप मंत्रों का जप करें, देवी देवताओं की स्तुति करें या ध्यान करें, तो ऐसा करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण काल में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र जितना अधिक से अधिक जपें, मंत्र का जप करें, ध्यान करें, स्तुति करें, कीर्तन और भजन करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद 24 घंटे के अंदर स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रहण काल के बाद स्नान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं, तो ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ग्रहण काल बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर आप अच्छा ध्यान करना चाहते हैं, अच्छा मंत्र जप करना चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं, तो ग्रहण काल का पूरा प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।